ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक हैवानियत भरा वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना मंदसौर के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कमल सिंह नामक युवक की अपने दोस्तों के साथ एक विवाह समारोह में गया था, जहां शराब पीने के बाद दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ। बस फिर क्या था, कमल सिंह की बेरहमी से उसके दोस्तों ने पिटाई कर दी और ज़मीन पर नाक भी रगड़वाई और जूतों की धूल भी चटवाई। घटना के बाद से कमल सिंह फरार बताया जा रहा है, जिसकी वजह से घर वाले काफ़ी परेशान हैं। वहीं एसपी ने कहा है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस के पास है, उसमें दिख रहा है कि शायद कुछ व्यक्ति एक व्यक्ति को मारपीट के बीच में उनके आपसी विवाद दिख रहा है, जिसके लिए थाने में सूचना प्राप्त हुई है। उसी पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसडीओपी रैंक के अधिकारी उसके अभी संज्ञान लिया है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों को देखने के लिए कन्हैया कुमार भी पहुंचे। आईसीयू में बच्चों को भी देखा और अस्पताल सुपरिंटेंडेंट से भी मुलाकात की, मगर वहीं अस्पताल के दौरे पर गए कन्हैया कुमार का लोगों ने जमकर विरोध भी किया। नौनिहाल अपना जान दे रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। हम सब लोगों को प्रार्थना करना चाहते हैं, राजनीति का वक्त नहीं है। हम सब तमाम लोगों से कि सब लोग सहयोग करें, अस्पताल में कोई भीड़ भाड़ नहीं हो, हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं हो। ये राजनीति और रैली करने का वक्त नहीं है, ये जन सहयोग करने का। सरकार की ओर से ट्रिपल तलाक बिल पेश किया गया। ये बिल काफ़ी हंगामे के साथ लोकसभा में पेश हुआ। विपक्ष इसका जोरदार तरीके से विरोध कर रहा है। जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा है कि मसला अहम है, सभी दलों के साथ सहमति होगी। लोकसभा स्पीकर ओपी बिड़ला के सामने संसद में बिल इंट्रोड्यूस हुआ। विपक्ष ने बिल पेश करने पर डिवीजन की मांग की। ट्रिपल तलाक बिल के पक्ष में 186 और विपक्ष में 74 वोट पड़े। ट्रिपल तलाक बिल पर एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़ा करते हुए इस बिल का विरोध किया है। कहा है कि संविधान अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। हमारे पास घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम है। ट्रिपल तलाक बिल महिलाओं के लिए अन्याय है। अकोला महापालिका में अमृत योजना के कामों में भ्रष्टाचार होने का शिवसेना और कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी पर आरोप लगाकर हंगामा किया। महापौर पर भी चर्चा न कराने का आरोप लगाया। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।